हे दोस्तों, जैसा कि मेरी एक वीडियो है सॉफ्टवेयर यूज्ड इन फिल्म मेकिंग, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की थी। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें मोबाइल के बारे में भी सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जाए कि मोबाइल के लिए कौन कौन से एडिटर्स हैं। ये वो एंड्रॉयड ऐप्स हैं जिनके अंदर आप बहुत ही अच्छे एडिटिंग आप कर सकते हो। वैसे तो देखो, आजकल टिकटॉक और ये लाइक जो ऐप है, इसके अंदर भी बहुत सारे वीडियोस ऑटोमेटिक वैसे ही आ रहे हैं, प्रीसेट बन के आ रहे होते हैं। आपको बस वीडियो शूट करना है और पब्लिश करना है। जैसे कि अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो, आपने अलग अलग से शूट ले रखे हैं, अलग अलग से कट ले रखे हैं, उन्हें आप एक साथ मर्ज करना चाहते हो वीडियो बनाने के बाद में। हे गाइस, वेलकम बैक टू एफएक्स मंडियाल। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और देखो और भी वीडियो जो भी हमने बनाई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह के कुछ भी काम करने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी वीडियोस देखो जिनके अंदर हम लोगों ने ये चीजें बनाई हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले ऐप से। तो पहला है InShot। InShot एक बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग ऐप है। इसके अंदर आप लोग ट्रिम कर सकते हो, ट्रिम और मर्ज कर सकते हो आप दूसरी फुटेजेस को। इसमें आप स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो, स्पीड ज़्यादा करके या तो एडजस्ट कर सकते हो आप स्पीड, स्लो मोशन आप एडजस्ट कर सकते हो इसमें, और क्रॉप कर सकते हो वीडियो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारी वीडियो के अंदर हमें क्रॉप करना पड़ता है। आप इसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, कोई भी आप म्यूज़िक लगाना चाहते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे फ्री ऑडियोज़ आपको मिल जाते हैं। फिल्टर्स और इफेक्ट्स आप इसमें लगा सकते हो, जो कि नॉर्मली आजकल फिल्टर्स तो आप लोग इंस्टाग्राम या किसी भी चीज़ पे जो भी आप स्टेटस भी डालते हो उसके अंदर आप फिल्टर्स डाल ही सकते हो, लेकिन कुछ और इफेक्ट्स इसके अंदर आप डाल सकते हो। और सबसे अच्छा है इसमें वीडियो फ्रेमिंग। अगर आपको वीडियो फ्रेम करना है अपना तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम के लिए अगर आपको वीडियोस डालने हैं तो उन्हें आप फ्रेम कर दो, वो तो बहुत ही अच्छा एक शॉट आपको देगा। टेक्स्ट और स्टिकर्स जो है इसमें, एनिमेटेड टेक्स्ट और स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको एनिमेशंस लगाने हो अपनी वीडियो के ऊपर तो आप उसमें वो कर सकते हो। आप फोटोज़ का कोलाज भी इसमें बना सकते हो और फोटो एडिटिंग भी इसमें कर सकते हो, और भी बहुत कुछ इसमें हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा आता है पावर डायरेक्टर। इसके अंदर आपको टाइमलाइन मिल जाती है जिसके अंदर आप एडिट करते हो, और इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस आपको मिल जाते हैं आपकी वीडियोस के लिए। तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो बीच बीच में, जैसे कि आपने चेंज करना है सीन तो उसमें आप ट्रांजिशन डाल सकते हो, और टाइम रिमैपिंग आप कर सकते हो, स्लो मोशन फास्ट उसे कर सकते हो, टेक्स्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो, और इसे डायरेक्टली आप यूट्यूब या फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक एडिटिंग ऑप्शंस है आपके लिए। पावर डायरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोस के लिए। अडोबी प्रीमियर रश, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। वैसे तो अगर आप अडोबी यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। इसके अंदर आप वीडियो कैप्चर कर सकते हो, या आपने जो वीडियो बनाया है उसे आप एडिट कर सकते हो, डायरेक्ट कट करके उसे आगे पीछे लगा सकते हो वीडियो को, और इसमें बहुत सारे आप टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हो, और एक सिनेमैटिक लट्स आप इसमें डाल सकते हो। आप सिनेमैटिक इफेक्ट बना सकते हो अपनी वीडियोस के साथ, और कलर करेक्शन इसमें अवेलेबल है। और आता है हमारा काइनमास्टर। इसके अंदर आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स आप लोग बना सकते हो। वीडियो एडिटिंग और वीएफएक्स के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। इसमें आप मास्किंग कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा टेक्निक है, और बहुत ही अच्छे वीएफएक्स इसमें आप बना सकते हो। तो इसे आप ट्राई करो, इससे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। आप काइनमास्टर ही ट्राई करो। अगर आप जो भी आप इसका नॉर्मल वर्जन अगर यूज़ करते हो तो इसमें अंदर इसका वाटरमार्क लग जाता है वीडियो को एक्सपोर्ट करने के टाइम पे, लेकिन अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज़ करते हो तो उसके अंदर कोई वाटरमार्क नहीं रहता है। तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो, और या तो आप इसे डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग इसमें बहुत सारी वीडियोस बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। जिसको भी अगर VFX और एडिटिंग में इंटरेस्ट है वो काइनमास्टर से बहुत ही अच्छा एडिटिंग आप कर सकते हो। और एक और जो आता है वो है हमारा क्विक। क्विक एक ऐप है जो कि एक्चुअली में GoPro के लिए बनाया गया है। GoPro की वीडियोज़ आप इसमें डायरेक्टली एडिट कर सकते हो, लेकिन इससे आप दूसरी वीडियोस भी एडिट कर सकते हो, जो भी आपने आप मोबाइल से आपने बनाई है या कुछ भी, उनको आप इसमें एडिट कर सकते हो। और इसमें कोई वाटरमार्क भी नहीं रहता है, आप इसका वाटरमार्क यहाँ से हटा सकते हो। इसमें आप लोग बिल्कुल फ्री में एडिटिंग कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टूल है ये भी। वैसे तो बहुत सारी ऐप्स अभी आ चुकी हैं, जैसे कि अडोबी क्लिप करके है, वीडियो शो है, और भी हैं जैसे कि वीडियो म्यूजिक एडिटर, फिल्म मेकर, यू कट करके ऐप है, फिल्मोरा गो है। फिल्मोरा अगर आपने यूज़ किया होगा वीडियो एडिटिंग के लिए अपने डेस्कटॉप पे, ऐप भी आता है फिल्मोरा गो करके, जिसके अंदर फिल्मोरा गो का एक सिर्फ वाटरमार्क लगता है जबकि आप उसका नॉर्मल वर्जन यूज़ करते हो, और आपको परचेज करना पड़ेगा उस वाटरमार्क को हटाने के लिए। लेकिन इसके अंदर भी आप बहुत ही अच्छी एडिटिंग आप कर सकते हो। एफएक्स गुरु करके एक ऐप था जिसके अंदर हम लोग इफेक्ट्स बना सकते थे। इसके अंदर बहुत सारे फ्री प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं, 3D प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि UFO, लाइटनिंग और ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं,
जिन्हें आप अपने सीन में ऐड कर सकते हो और थोड़ा ड्रामेटिक सीन आप बना सकते हो। तो आप इन सारी ऐप्स को भी कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको UFO या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए तो आप उसको एफेक्ट गुरु से पब्लिश कर दो, फिर उसको काइन मास्टर में ले आओ और उसे अपनी वीडियो के साथ एडिट कर दो, या तो जैसा भी आप करना चाहते हो। आप इन्हें ऐप्स को मर्ज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको एक ही ऐप के साथ काम करना होता है, क्योंकि फिल्म मेकिंग के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर पे काम नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल के अंदर भी एक ही ऐप पे काम करो, आप बहुत सारी ऐप्स को एक साथ मर्ज भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने एक शॉट कहीं से निकाला, कहीं पे आपको लगता है कि ये ट्रांजिशन है जो इसी के अंदर अच्छी हो सकती है, ये फोटो एडिटिंग स्लाइड शो या कोलाज है जो इसके अंदर अच्छे से एनिमेट होता है, तो वहाँ से उसे एक्सपोर्ट करो और अपने एक एडिटिंग प्रोग्राम जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसमें आप डाल दो, फिर उसे एडिट कर लो। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो अपनी मोबाइल ऐप्स के ऊपर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दो ये वीडियो और कमेंट करो अपने हिसाब से कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा लगा है और आप क्या और चाहते हो अपने वीडियो एडिटिंग के प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतने ज़्यादा वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।